हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास KTM 390 एडवेंचर है, जिसका हमें अभी चाइनीज पॉकेट इंस्टॉल करना है। और हमने मंगवाया है बट हमें ओरिजिनल अभी मिला नहीं। तो हमें पास में एक शॉप था जिसे हमें रोलर कंपनी का मिला है, और ये भी अच्छा होता है। और इसका प्राइस जो होगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल है 390 एडवेंचर, पार्ट नंबर ये है, और इसकी MRP है 2869 टैक्स के साथ में। 2724 का पैकिंग इसका है, मतलब 3 महीना पुराना। और अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जूना है और ये हमारी गाड़ी है। अब हम इसे खोलेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, और इसे मोर जानकारी के लिए वो भी हम आपको कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि और भी कुछ ऐसी गाड़ी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर KTM ड्यूक 250 भी है, उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, उसका भी जल्दी नया वीडियो आने वाला है। आप चैनल पर बने रहें, और जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी गाड़ी के बारे में, आपको कोई भी किसी भी बाइक के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको गाइड करेंगे। इसको खोलो। ये हमारा चैन है, अच्छा है। यहाँ पे चैन में चैन लॉक नहीं रहता है तो हमें डायरेक्ट लगाना रहेगा। ये खुलिए, ये देख सकते हैं जो इसका तर्थ रहता है, यहाँ पर वो लिखा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं 45, ये बैक वाला 45 रहता है, फ्रंट वाला 15 रहता है। इस पर कहीं लिखा नहीं है बट बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। आगे का जो KTM एडवेंचर 390 का, उसका चेन पॉकेट अलग आता है। यहाँ पर देख सकते हैं जूना है। और इसे लगाने के लिए जैसे हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, पहला तो हमें ये यहाँ के एक 19 नंबर का एक बोल्ट खोलना है, एक 14 नंबर का एक बोल्ट खोलना है यहाँ का। ये देख सकते हैं ये बड़ा XL आता है ऐसा, ये यहाँ रहता है, वो 14 नंबर का और एक 19 नंबर का बोल्ट खोलेंगे, ये निकल जाएगा, यहाँ से चैन निकल जाएगा। उसके बाद में ये दो स्क्रू यहाँ रहते हैं, जो 4 mm के एलेंकी लगी रहती है, वो 4 mm के एलेंकी को ये दोनों खोल के ये फाइबर ऐसा फैल जाता है और ये यहाँ से ऐसा हो जाता है। तो अभी चैन देख सकते हैं हमारा ये जैक के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी हम न्यू चैन इंस्टॉल करेंगे तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। पहले हम बड़ा इस पॉकेट इंस्टॉल करके अंदर फिटिंग करते हैं, फिर हमें ये गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर चैन डाल के फिर हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाते हैं। चलो भाई, ये ऊपर लिखा हुआ ऊपर रहता है भैया। कभी भी आप इस पॉकेट लगाएं तो ये जो लिखा हुआ रहता है वो फ्रंट साइड रहता है, क्योंकि वो देखने के लिए रहता है कि कहाँ क्या कितना नंबर का ये चैन इस पॉकेट है, और या कंपनी का नाम रहता है तो कंपनी का नाम अगर सामने की तरफ रहेगा तभी दिखाई देगा, नहीं तो फिर बैक साइड देखे उसको बैक साइड में देंगे तो किसी को दिखाई नहीं देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है जो ये लिखा हुआ है। तो हमारा ये चैन इस पॉकेट जो बाइक वाला रहता है वो इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम इसे टायर फिटिंग करेंगे और फिर चैन इंस्टॉल करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, आपको दिखाते हैं हम, क्योंकि चैन इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है चैन इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं और बहुत कुछ खोल देते हैं और बोलते हैं कि कुछ लोग
तो चेन कटिंग करके लॉक लगा देते हैं तो वो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो कंपनी से आता है वो मजबूत रहता है, उसको पंचिंग किया हुआ रहता है। अगर हम उसको निकाल के लॉक लगाते हैं तो वो इतना ये नहीं वेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि गाड़ी थोड़ा हाई भी है तो झटका ज़्यादा आता है चेन के लिए, कि 390 है, ज़्यादा पावर रहता है गाड़ी को। इसकी वजह से हमें जो कंपनी से जैसे आता है वैसे इंस्टॉल करना चाहिए। एक्सल में ग्रीसिंग हो रहा है और अब एक्सल हम इंस्टॉल करेंगे, इसमें टायर लग चुका है तो अभी हम इसका चेन ही इंस्टॉल कर रहे हैं। वीडियो में बनेगा, आपको दिखाते हैं चेन कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हमें यहाँ से जो इंस्टॉलिंग होता है, यहाँ से ये हमने चेन को यहाँ लगाया और इसको यहाँ से यहाँ कर गाड़ी में पलटी हो जाएगी। गाड़ी में पलटी, जल्दी हैंडल पकड़ो। मारो बेबी बनाएगी तो चेन हमारा इंस्टॉल हो गया है और हम अब आगे का इसका इंस्टॉल करेंगे। वो क्या है वो हम बाद में भी कर सकते थे, बट क्या है अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं इसकी वजह से क्या है थोड़ा सा तो ये इसका भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर और अभी हमारे लॉक के बाद में लगाएंगे फिलहाल हम इसे। यहाँ पर देखो ये वाइसर में कट रहता है तो इसके अंदर भी एक कट है। ये हमारा एक्सल है 14 नंबर, इंजन की कंडीशन से जाता है इसे वहाँ से। यहाँ पर क्रॉस करके लगाना पड़ेगा। इसका लॉक है
अब हम आपको आगे का दिखाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा ये फाइनल काम हो चुका है, इसका चेन इस पॉकेट पूरा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। और दूसरा नंबर मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, बहुत बारीक बात है, कभी भी आपका गेयर अगर फंसता रहेगा तो यहाँ पे देखना, ये सिंगल वाइसर रहता है, अगर यहाँ पे कोई डबल मतलब पीछे भी एक वाइसर रहता है, अगर वो वाइसर कोई यहाँ लगा देगा तो ये गेयर ऐसे नीचे डालेंगे तो नीचे ही रुक जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो आप कभी भी इस पर ध्यान देना, कोई भी मतलब अगर कोई नया बंदा या नया मैकेनिक फिटिंग करता है तो उसको इस पर ध्यान नहीं रहता है कि दोनों तरफ वाइसर रहता है, तो ऐसे ही टाइट करके दे देता है, तो ये गेयर का प्रॉब्लम आपको आएगा। तो कभी भी यहाँ पे अगर डबल वाइसर रहेगा तो आप उसको दोनों एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ करके फिटिंग करना, तो आपका गेयर एकदम प्रॉपर गिरेगा। तो हमारा ये काम फाइनली हो चुका है और हम अब इसका ये हाफ कोर लगाएंगे। हाफ कोर लगाने के बाद गाड़ी को नीचे उतार के एक टेस्ट ड्राइव लेंगे और हमारा ये काम फाइनल हो जाएगा। ऐसी मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और दूसरा अभी हमारा 250 के बारे में 250 का भी वीडियो आएगा, वो गाड़ी को मिसिंग प्रॉब्लम है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और एक बूस्ट रहता है यहाँ पर, ये ध्यान दें, इसको बूस्ट को पहले यहाँ पर लगाने के बाद में ये लिंकी को फिर अंदर टाइट करेंगे। तो 250 का भी वीडियो आने वाला है जिसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम बता रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है और सेल्फ स्टार्ट ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाता है और उसका फ्यूज़ 6 नंबर फ्यूज़ बार बार उड़ जा रहा है, तो उसका वायरिंग का वीडियो आएगा जल्दी आपके बीच में। तो नए लोग हैं तो भाई वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पीछे से दिखाओ अभी दूर पूरा गाड़ी। तो सो गाइस ये हमारा KTM 390 एडवेंचर हमारा गाड़ी फाइनल हो चुका है और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच।